नमस्कार दोस्तों, लगभग 11:15 बज रहे हैं रात के, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट 2-4 मिनट पहले ही इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स आए हैं। जस्ट डायल कंपनी है दोस्तों, कैसे रहे नंबर विदाउट वेटिंग, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, मिलियंस में तो हमें एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। सबसे पहले इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वैल्यू सर्विस फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद कस्टमर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 274 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखेगा, जो पिछले बार 261 करोड़ था और एक साल पहले 196 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बढ़ोतरी है। अब आप गिफ्ट्स एंड सर्विस टैक्स को लेस करके देखेंगे, 41 करोड़, जो पिछले लगभग 40 करोड़ था और एक साल पहले लगभग 30 करोड़ था दोस्तों। और बात करें अदर रेवेन्यूज़ की, बात करें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन सबको जोड़ के 232 करोड़ रुपीज़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 221 करोड़, एक साल पहले 166 करोड़ था। बात करें अदर इनकम की तो ये 74 करोड़ रही है, जो पिछले बार 71 करोड़ थी और एक साल पहले 35 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती दोस्तों, वह 306.6 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 292 करोड़ थी और एक साल पहले 201 करोड़ थी दोस्तों। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोर और लेस फ्लैट नंबर है ये दोस्तों, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो एक अच्छी खासी शानदार बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, नीचे चलते और बात करते हैं भाई खर्चों की। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 172 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 163 करोड़ था, यानी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, एक साल पहले ही 143 करोड़ था। फिनेंस कॉस्ट मात्र 2 करोड़ रुपए। बात करें अदर एक्सपेंसेस की तो यह 26.8 करोड़ रहे, जो पिछली बार 26.9 यानी ऑलमोस्ट 27 करोड़ थे, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, और एक साल पहले ये ऑलमोस्ट 29.1 करोड़ थे। और जब इन सबको जोड़ेंगे हम तो जो टोटल एक्सपेंस है दोस्तों, ये 210 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 204 यानी लगभग 205 करोड़ थे और एक साल पहले 181 करोड़ रुपीज़ थे दोस्तों। ठीक है, तो खर्चे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। और जब हम इन सबको देखते हैं तो दोस्तों, आप पाएंगे कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये इस बार 95 करोड़ रहा है, जो पिछले बार ऑलमोस्ट 96 करोड़ आप कह सकते हैं, जो पिछले क्वार्टर में 87.6 करोड़ था और एक साल पहले मात्र 20 करोड़। ईयर ऑन ईयर शानदार बढ़ोतरी है दोस्तों, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं और हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या निकल के आया है, 83.7 करोड़, जो पिछली बार 75 करोड़ थे। लेकिन अभी नहीं, सब तमाम चीज़ों को जोड़ करके जब हम नीचे जाएंगे, हम देखते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 83 करोड़ रहती, जो पिछली बार 74 करोड़ थी और एक साल पहले 23.3। ये बहुत ही शानदार नंबर है दोस्तों। और बात करें EPS की, आप बेसिक देखेंगे ना तो 8.93 से बढ़ करके 9.94 हो गया है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, और ईयर ऑन ईयर तो ये बहुत शानदार रिजल्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये नंबर जो आए हैं ये आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट टू पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक बहुत ही शानदार नंबर रहा है दोस्तों। और मुझे लगता है बाजार को भी ये नंबर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।